1 + 2 + 3 + 4 till infinite is -1/12. पर एक मिनट, हम कर रहे हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 मतलब सम ऑफ पॉजिटिव नेचर नंबर्स और उसका आंसर -1/12. क्यों, कैसे? सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल एड्यू एंटरटेनमेंट. सो फ्रेंड्स आज हम जानेंगे एक सीरीज के बारे में. नो तीन इनफाइनाइट सीरीज के बारे में. पहली इनफाइनाइट सीरीज हमारी 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 टिल इंफिनिटी और इसका आंसर क्या है 1/2. दूसरी सीरीज जो हम जानेंगे वो है 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 टिल इंफिनिटी और इसका आंसर क्या है 1/4. और हमारी जो थर्ड और लास्ट सीरीज होगी वो है 1 + 2 + 3 + 4 टिल इंफिनिटी और इसका आंसर -1/12. इसको बोलते हैं रामानुजन समेशन. और इस सीरीज के लिए, इस फाइंडिंग के लिए मैं रामानुजन को सलाम करता हूँ. सो लेट्स स्टार्ट. और स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ जरूर बोलना चाहूँगा कि आप ये वीडियो पूरा देखें और इस वीडियो का जो मैथ्स लवर है, जिसको मैथ्स बहुत ज़्यादा पसंद है, वो इस वीडियो का पोस्ट क्रेडिट सीन तो ज़रूर देखें. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. सो फर्स्टली हम ये मान लेंगे कि लेट अस अज्यूम दैट ऑल द थ्री इनफाइनाइट सीरीज आर कन्वर्जेंट. ये हम पहले अज्यूम कर लेंगे. ये अजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है. सो स्टूडेंट्स ये अजम्पशन जरूर अपने ध्यान में रखिएगा. सो अब हम पहली सीरीज पे आते हैं. वो क्या है 1 - 1 + 1 - 1 + 1 टिल इंफिनिटी. सो हम मान लेंगे, सपोज करें लेट ए इक्वल्स टू 1 - 1 + 1 - 1 + 1 टिल इंफिनिटी. अब हम क्या करेंगे कि 1 - a करेंगे, a को 1 से माइनस कर लेंगे, विच इज इक्वल्स टू 1 - (1 - 1 + 1 - 1) टिल इंफिनिटी. सो इसका आंसर क्या होगा, therefore 1 - a इक्वल्स टू 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 टिल इंफिनिटी. और ये हमने अज्यूम किया ये क्या है, a है. सो therefore 1 - a इज इक्वल्स टू a. सो हम सॉल्व फॉर a, therefore 2a इज इक्वल्स टू 1, therefore a इज इक्वल्स टू 1/2. है ना, बहुत आसान. अब हम दूसरी सीरीज पे आते हैं. दूसरी सीरीज क्या है कि 1 - 2 + 3 - 4 + 5 टिल इंफिनिटी. लेट बी इक्वल्स टू 1 - 2 + 3 - 4 + 5 टिल इंफिनिटी. ऑल्सो बी हम कैसे लिख सकते हैं कि मैं आगे बस एक जीरो प्लस कर रहा हूं. जीरो प्लस करने से सीरीज में तो कुछ बदलाव आएगा नहीं. ऑल्सो बी इक्वल्स टू 0 + 1 - 2 + 3 - 4 टिल इंफिनिटी. अब हम क्या करेंगे कि एडिंग द अबव टू वी गेट 2b = 1 + 0. तो 1 होगा -2 + 1 - 1 होगा. सो +3 - 2 + 1 होगा. -4 + 3 - 1 होगा. तो 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 टिल इंफिनिटी. और ये क्या है, हमने अज्यूम किया था कि ये क्या है, a है. सो 2b = a और एक ही वैल्यू क्या है 1/2. तो 2b = 1/2. therefore b = 1/4. है ना, बहुत आसान है, बहुत आसान है. अब हम तीसरी सीरीज पे, हमारा रामानुजन समेशन पे आते हैं. वो क्या है 1 + 2 + 3 + 4 टिल इंफिनिटी. लेट सी इक्वल्स टू 1 + 2 + 3 + 4 + इंफिनिटी. अब हम क्या करेंगे कि ये सी में से हम बी सीरीज को माइनस कर लेंगे. सी माइनस बी इक्वल्स टू 1 + 2 + 3 + 4 टिल इंफिनिटी - 1 - 2 + 3 - 4 + 5 टिल इंफिनिटी. Therefore, C minus B equals to 1 + 2 + 3 + 4 till infinity. Bracket open करेंगे -1 + 2 - 3 + 4 - 5 till infinity. Therefore, C minus B equals to 1 - 1 = 0. 2 + 2 = 4. 0 + 4 + 0 + 4 + 4 = 8 होगा. +0 + 12 + 0 till infinity. Therefore, C minus B equals to 0 का तो कुछ मतलब नहीं होगा और 4 + 8 + 12 में से हम 4 को कॉमन निकाल सकते हैं. Therefore, C minus B equals to 4 common bracket में 1 + 2 + 3 + 4 + 1 till infinity. और 1 + 2 + 3 + 4 क्या है? C ही है. हमने assume कर ही लिया था. Therefore, C minus B is equals to 4C. Therefore, B equals to -3C. और C equals to -B/3. और B की value क्या है? 1/4. So, -1/4 × 3, 4 × 3 = 12. Therefore, C is equals to -1/12. So, मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये रामानुजन समेशन का प्रूफ समझ में आ ही गया होगा. अगर आपको समझ में आ गया और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. एंड थैंक यू. हेलो मैथ्स लवर्स, तो मैं आखिरी में यही बोलना चाहूँगा कि हमने पहले अज्यूम किया था कि लेट द थ्री इन्फिनिट सीरीज बी कन्वर्जेंट, पर असलियत में ये तीनों सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है, ये डाइवर्जेंट है. तो इससे ये बोल सकते हैं कि हम मैंने जो अभी तक किया फाइंड किया 1+2+3 इज इक्वल -1/12 या 1-1 1/2 होता है या 1-2+3 1/4 होता है, ये सब गलत है. नहीं, ये सब तो सही है, पर मैंने जो इस्तेमाल मेथड जो इस्तेमाल की है इसको सॉल्व करने के लिए वो सरासर गलत है, क्योंकि ये सारी सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है, डाइवर्जेंट है. सो आपको ये जानना है कि इसको असलियत में सॉल्व कैसे करते हैं. सो हमारे नेक्स्ट वीडियो का आप ज़रूर इंतज़ार करिए.